क्या बन रहा है भाई? पनीर पकौड़े। पनीर पकौड़े बन रहे? एक ही पीस लिया अपने पनीर पकौड़े का, आपका हो जाएगा एक में काम? ये पनीर के अंदर मसाला भरा होता है, काली मिर्च का होता है शायद, कई आइटम होते हैं। बहादुरगढ़ के फेमस पकौड़े आते खाते चलते मनोज जी। हाय गाइस, अनमे देसाई फ्रॉम वेजी बाजी, और जी रोड ट्रिप वीडियो का ये लास्ट पार्ट है। अभी हम लोग आए हैं बहादुरगढ़ में खाने जी फेमस बिल्लू दे पकौड़े। काय नितिन भाई, क्या क्या है वो मिक्स का ले एक बना दो ना। हाँ, आलू मसाले का, ये आलू मसाले का पकौड़ा है, एक पालक का पकौड़ा है, एक प्याज का है, एक आलू प्लेन है, और एक पनीर का पकौड़ा है, एक गोभी का है। सारे फ्रेश होते हैं पकौड़े, साथ के साथ बनाते हैं पकौड़े। अच्छा, ये मिक्स हो गया। हाँ जी, और कौन कौन से रह गए? अब आपका सोयाबीन चाप का रह गया। हाँ, और बाकी मैं एक और ब्रेड डाल देता हूँ उसमें। मैगी वगैरह वाले पकौड़े पकौड़ा एक ये भी डाल देता हूँ, ये भी डाल दो। शोर बहुत होता है ना यहाँ पे। अब ये सारे आपके पकोड़े लग गए? ये का चाट मसाला होता है, क्या होता है ये? पकोड़ा मसाला बनाया जाता है। पकोड़ा मसाला, अच्छा आपका खुद का है? ये डाल दिया, ये आपने बिलिंग हो गया, ये बिलिंग हो गया, ये रह गया, बाकी स्वीट कॉर्न भी डाल दिया मैं। एक आलू मटर दाल का पकोड़ा 100 ग्राम। पहले खाते थे, काफ़ी टाइम बाद आके खा रहे हैं ना, कब पूरा बदल गया, मतलब मेट्रो वेट्रो आ गई, बहुत टाइम हो गया। हाँ, तब तो पहले तो आते जाते गाड़ी साइड में लगा के खाते थे। तो बाईपास निकाल गया ना, बाईपास बाईपास निकल गया, पिल्लर नंबर 882, सब मेट्रो से आसपास हो गया। ये पिल्लो नंबर कौन सा है? 42 है, 82 है, 842, 882। आपका क्या नाम जी? मेरा राजू। राजू जी, ये कितनी पुरानी है जी? ये 60 साल हो गए। 60 साल हो गए। हम भी पकौड़े लेके गाड़ी में चलते हैं, खाएं भाई। मेरे हिसाब से ये लेते हैं, और उसके बाद ना जो बढ़िया पकौड़े लगे ना वो घर वालों के लिए पैक करवाएंगे, जैसे वो जलेबी पैक कराई थी ना। क्या हो रहा है कि ये कोरोना की मारी हो रही है? अच्छा खासा बैठ के खाते थे देसी टेक अवे। कहाँ जा रहे हैं? अरे रुकना रुकना जरा रुकना, हमारे हाथ में पकौड़े पड़े हैं बिल्लू के। यहाँ पे दिल्ली की गाड़ियाँ भी दिखेगी, हरियाणा की भी गाड़ियाँ दिखेगी, बिल्कुल बॉर्डर पे है ना। बिल्लू दे मशहूर पकौड़े, ये चाप का पकौड़ा एक तरीके से है, ये ब्रेड पकौड़ा जिसके अंदर पनीर डाला हुआ है। नाइस। ये कौन सा वाला बोला था? कॉर्न वाला पकौड़ा है। मैगी कॉर्न पकौड़ा है। ये है जी मिर्ची दा पकौड़ा। ये वाला है आलू मटर कबाब। ये देखो, ये है जी 50 साल पुरानी दुकान, इनोवेट करने के लिए, बच्चों को अपने पास आकर्षित करने के लिए ये पकौड़े बना रही है। मैगी का पकौड़ा है। यहाँ पे द ओल्ड एंड गोल्ड कांदा भाजी प्याज का पकौड़ा। यहाँ पे हमारे पास है सवाल है गोभी का पकौड़ा। नाइस, ये देख रहे हो भाई गोभी। ओ भाई ये देखो, यहाँ पे हल्का सा कट लगा तो अंदर से गोभी फ्राई होगी। ये तो मेरा फेवरेट पालक का पकौड़ा, आई जस्ट लव पालक का पकौड़ा। ये है आलू के मसाले वाला पकौड़ा, बेसिकली इसको बटाटा बोलोगे, इसको पाव के अंदर डाल दो तो ये बड़ा पाव बन जाएगा। ये पनीर का पकौड़ा, जस्ट अंदर से ये देखो यार, स्लिट्स देखो कितने मस्त लगे हुए हैं। नॉर्मल आलू का पकौड़ा, और लोडेड प्लेट लग रही है ना भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से टेस्ट करेंगे, जो जो हम लोगों को अच्छे लगेंगे वो घर वालों के लिए लेके जाएंगे, मम्मी पापा के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ ब्रेड पनीर पकौड़े से। पनीर पकौड़ा चटनी में डुबो के, और चटनी देखो कितनी गाढ़ी। ओ भाई देख रहे हो, चटनी ड्रॉप टेस्ट, चटनी ड्रॉप टेस्ट में चटनी फेल है, क्योंकि चटनी चिपक चुकी है, हल्का सा ड्रॉप आया। देख रहे हो, मैंने आज तक ऐसा चटनी नहीं देखा भाई, मतलब चिपक चुकी है पूरी। सो गुड भाई, क्या पकौड़े मिलते हैं यार, मैंने ऐसे पकौड़े नहीं खाए। इनको पता है, इन्होंने अपना पकौड़ा मसाला डाला है, स्पेशल पकौड़ा मसाला। ये वाला ट्राई करते हैं हम, कबाब वाला, कबाब कह रहा हूँ, जो भी है आलू कॉर्न समथिंग समथिंग। मैं तो ये कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे दिमाग में कि बहादुरगढ़ चेंज हो गया, बहादुरगढ़ दिल्ली का पार्ट लग रहा है मेरे को। ऐसा लग रहा है मैं नांगलोई या कहीं पे आया हूँ, है ना। मेट्रो मेट्रो जा रही है, ट्रैफिक बिल्कुल नांगलोई की फीलिंग आ रही है यार।
दिल्ली में खानदानी पकौड़े वाले मिलते हैं आपके साउथ दिल्ली में, ऐसा लग रहा है मैं उसी के मतलब ऐसे उसी के किसी कॉम्पिटिटर के पास हूँ। और बहादुरगढ़ के पकौड़े ना बहुत फेमस है, जैसे मतलब कैसे है कि गोहाना की जलेबी इतनी फेमस, रोहतक के पराठे बहुत फेमस। वैसे इस रोड ट्रिप सीरीज में हरियाणा के खाने दिखाते हुए आपको बहादुरगढ़ के पकौड़े दिखाए। अब मैगी वाला खाएं, मैगी वाला तो जलवेदार है। ओ भाई चटनी, भाई चटनी देखो यार आप इनकी, सारा खेल इनकी चटनी का है। चटनी तो एकदम मतलब, चटनी का हल्का सा मैं टेस्ट लूंगा। लवली क्या पकौड़ा है, बहुत खूब है, बेहतरीन है गाइस। पराठे हैं और दही है, पराठा और दही है, सब लोगों के साथ खा लेना, बहुत सारे पराठे हैं। अब खाते हैं हम लोग, क्या खाएंगे ये क्या कांदा वाला। भाई ये ना सारे पकौड़े तो एक जैसे ही हैं, पर इनकी चटनी जो है ना, पकौड़े एक जैसी कैसे, पकौड़े एक जैसे कैसे होते हैं, बैटर वही है, पकौड़ा मसाला वही है, और चटनी इतनी ओवर पावरिंग है ना कि इस चटनी के साथ कुछ भी खा लो अच्छा ही लगेगा। तो कहीं पे पकौड़े में 19-21 रह गया, चटनी कवर कर लेती हूँ। देखो मैगी वाला बढ़िया लगा, कांदा वाला बढ़िया लगा, अब मैं पनीर वाला खाऊंगा। पनीर तो आप अंदर से देखिए, पनीर तो फ्रेश बन रहा था, मतलब कैमरा का लेंस मेरे हाथ पे डाल दो आप। ओ वाह यार, पनीर वाला पहले कच्चा खा के देखते हैं, बिना मतलब कच्चा मतलब बिना चटनी के। भाई इनका ना मसाला भी अलग होता है, ये जो बनाते हैं ना बेसन का मसाला वो भी काफ़ी अलग होता है। देखा नहीं था आपने उसका कलर भी कितना अलग था यार, पर मैंने आज तक ऐसी चटनी नहीं देखी। आपने देखी है कभी ऐसी चटनी, ऐसे देखो यार, मतलब 200 रुपए के पकौड़े हैं भाई, और उसके साथ एक चाय फिक्स कर लो ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ जिंदगी का आनंद आ जाएगा। पर भाई बात ये है कि आज ये पकौड़े घर ले जाते ले जाते तक मजा आएगा, पता नहीं तो हम लोग लेके जाएंगे। अच्छा तो आपके अंदर मसाला भरा हुआ है। अच्छा जी, ये देखो क्या बात, पहली बार मैं खा रहा हूँ, देख लो सौंफ का मसाला भरा हुआ है। बहादुरगढ़ के पकौड़े भाई, ये ना जब मेट्रो नहीं बनी थी ना, जब बाईपास नहीं बना था, यहाँ पे अलग लेवल की भीड़ लगती थी, मतलब दीज आर वन ऑफ दोस लॉस्ट प्लेसेस मैं कहूँगा। दुकान इतनी छोटी होगी भाई, मतलब ये कोई गंगाराम के पकौड़े हैं, मुझे नहीं पता कौन से हैं क्या है, पर मेरे को तो बिल्लू के पकौड़े पता है, मेरे को आप लोगों ने भी वही सजेस्ट करे थे, फेमस भी वही है, मेरे को तो पापा ने भी वही बोले थे। और अगर आप यहाँ से गुजर जाओगे ना, 6 बार गुजर जाओगे, आपको नहीं पता चलेगा बिल्लू के पकौड़े कौन से। इन लोगों को सर्वाइव करने के लिए आजकल मैगी वाले पकौड़े बनाने चाहिए, लेजेंड वाली दुकान है भाई। मेरे को लग रहा है वो दिन दूर नहीं है जब लोग छोले भटूरे के अंदर मैगी डाल डाल के खिलाएंगे। छोले भटूरे के अंदर मैगी, ऐसे मत बोल भाई, ऐसे मत, मतलब जैसे वो भटूरे के अंदर पनीर डालते हैं ना, अच्छा भाई भटूरे के अंदर मैगी, चीज मैगी मसाले, लॉस्ट रेसिपीज भाई, ये हैवी बहुत है अंकल, प्लेट वाला हो गया। देख रहा हूं मैं पूरी चटनी खत्म कर गया, इतनी बढ़िया चटनी थी। एक नंबर, दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्रैक, येट अगेन मोटर क्रॉस मैडनेस वाली फीलिंग आ रही है। भाई ये पकोड़े आ गए आपके, बहादुरगढ़ के पकोड़े, बहादुरगढ़ भाई ने बताया, भाई छोटा सा था उसको, अरे भाई को याद ही नहीं, भाई को कहता कि हमने यहाँ पे खाए हुए, मैंने भाई को याद दिलाया कि यहाँ पकोड़े खा रखे हमने, मैंने याद दिलाया। देखो ये गेस करो कौन सा पकोड़ा है, चीज पकोड़ा नहीं, ब्रेड समथिंग, चीज पकोड़ा। और यूथ को क्या पसंद है, यूथ को, हाँ नूडल्स नहीं, कौन नहीं, अच्छा नूडल्स कौन से, वो मैगी पकोड़ा, हाँ ये तो मेरा माइंड का सही लग रहा, लोग कर लो बात, नहीं छोटी सी दुकान होगी पापा, वो उसके पास एक बहुत बड़ी दुकान और पकौड़े की खुल गई, वहां बैठा के खिलाया और लस्सी भी पिलाई थी, भूल गया इसने बताया नहीं तेरे, नहीं बताया, एक बार मुझे ध्यान है बस उसके अलावा, एक बार तो याद आया ना। ओके पहले एक बार टेस्ट करके बताओ हल्का सा कैसा लगा आपको, पुराना वाला टेस्ट है कि नहीं है, तक कैसे हो गए, नहीं पकौड़े तो कोई खराब नहीं होते बेटा, पकौड़े का मजा तो ज्यादा वो नहीं होता, जलेबी है जो मैंने आपको दो वीडियो पहले दिखाई थी उसका तो मजा एकदम बरकरार है। डिनर डिनर हो गया,
कैसा लगा आपको? आपको इतना वो नहीं लगा? कई चीजें नई इंट्रोड्यूस की हैं। हाँ, बट अदरवाइज ये वाला मेरे को नहीं शायद पसंद आएगा। टाइम के साथ एक सरवाइव करने के लिए करना पड़ता है। हाँ ठीक है, बट ओवरऑल बहुत टेस्टी है। थम्स अप। आप लोग तो ये भी खा रहे हो, हमें वहाँ पे चाय नहीं मिलेगी पीने के लिए। पकौड़ों में चाय के साथ ही मजा है यार। मैंने इलायची दूध के साथ बेस्ट। ये दो वीडियो पहले दिखाया था। यहाँ पे हम लोग ये वीडियो खत्म कर रहे हैं और अगली वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे एक नई सीरीज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।